बीजेपी सांसद ने लोकसभा में की मुलायम सिंह यादव की तारीफ, लेकिन साथ ही उस पार्टी की भी खोल दी पोल जिसने झूठे केस लगाकर सीबीआई के जरिए सपा परिवार को किया परेशान। बीजेपी सांसद ने कहा कि नेताजी की ईमानदारी और देशभक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इमेज को डैमेज करने वालों की खोल दी पोल। देखिए कौन सी वो पार्टी है जिसने नेताजी की छवि को किया डैमेज और कौन है बीजेपी सांसद जिन्होंने नेताजी की मोदी और शाह के बीच बैठकर जमकर की तारीफ। लोकसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही सहमति असहमति का दौर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक सांसद ने भरे सदन में खड़े होकर नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया और मोदी के साथ साथ अमित शाह के सामने, साथ ही बीजेपी के दिग्गज मंत्रियों के सामने नेताजी की जमकर तारीफ की। इस मौके पर कैसे नेताजी और उनके परिवार को झूठे केस लगाकर सीबीआई के जरिए परेशान किया गया उसकी पोल खोली, तो साथ ही कहा कि जिसने ऐसा किया उसको आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। जिस सांसद की हम बात कर रहे हैं उनका नाम निशिकांत दुबे है और जिस पार्टी ने नेताजी को परेशान किया वो कोई और नहीं कांग्रेस पार्टी है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में निशिकांत दुबे बोल रहे थे और कांग्रेसियों की पोल खोल रहे थे। निशिकांत ने इस मौके पर सदन में खड़े होते ही नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया और कहा कि नेताजी की ईमानदारी और उनकी देशभक्ति को कोई नहीं भूल सकता है और ना ही उनके ऊपर कोई सवाल उठा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने नेताजी को झूठे केस लगाए और सीबीआई के जरिए जमकर परेशान किया और जब हमारी सरकार आई तो नेताजी को क्लीन चिट दिया गया। निशिकांत दुबे ने इस मौके पर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए और कहा कि अखिलेश यादव आज उसी पार्टी के साथ खड़े हैं और उसी पार्टी का साथ दे रहे हैं जिसने उनके परिवार की छवि को पूरे देश के सामने खराब किया। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिसने नेताजी की ईमानदारी को सवालों में खड़ा किया और जिसने नेताजी को परेशान किया उसी पार्टी के साथ सपा का जाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। खुद बीजेपी के लोग हैरान थे कि हमारा ही सांसद किसी विरोधी दल के नेता की तारीफ कर रहा है, आखिर ऐसा क्या है। तो ऐसे में सपाइयों का कहना है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव हकीकत में ऐसे ही थे और उनकी दूरदर्शी सोच के साथ सभी को साथ लेकर चलने की आदत ने ही उनको दलगत राजनीति से ऊपर उठाया और इसीलिए हर दल का नेता उनकी जमकर तारीफ करता है। लेकिन कांग्रेस और अखिलेश यादव के सवाल पर सपाइयों ने कुछ नहीं बोला। तो लोकसभा के सदन में जिस तरीके का माहौल देखने को मिला उसने सनसनी फैला दी है। सपाई निशिकांत दुबे के द्वारा नेताजी की तारीफ को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सभी एक मंच पर हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलना समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में नेताजी मुलायम सिंह यादव की सदन में तारीफ तो वायरल हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ सपाइयों की चुप्पी इस मामले में कई सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।